एंड इसके वजह से मुझे कॉलेज से ऑफ लेना पड़ता है। मेरे कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करने वाले, आई विल बी फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड दैट क्रीप मी आउट। पहले इंट्रो बनाने के लिए कुछ नहीं था, सिनेमैटिक शॉट्स, उसमें भी बॉटल प्रिंस को दिखाया, बट स्टिल मम्मी आ गए एंड सब प्लान फ्लॉप हो गए। सो अभी मैं एप्पल खा रहा हूँ। दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब ब्रंच कह सकते हैं। अभी 1 बज रहे हैं एंड मैं 11:30 बजे उठा था, तो एप्पल को मैं साइड में रखता हूँ एंड पहले आपसे बात करता हूँ। सो आई हैव समथिंग गुड फॉर यू, मतलब मैं मेरे कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आई नो कि ये ब्लॉग थोड़ा सा लेजी एंड थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, बट आई प्रॉमिस यू जब मैं मुंबई जाने वाला हूँ दैट ब्लॉग्स गोना बी ऑसम एंड उसकी एडिटिंग भी अच्छी रहेगी एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेटिव वीडियोज आफ्टर कमिंग बैक हियर करण को वापस आने के बाद। सो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द सेंस कि मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लाइक 5 टिप्स टू ग्रो योर मसल्स, देन वेट लॉस टिप्स, फैट लॉस टिप्स, वेट गेन टिप्स, बाद में रेसिपीज, देन शेक्स एक्सेट्रा, जितना भी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड मुझे नॉलेज है आई विल बी हैप्पी टू शेयर विथ यू। ये पूरी इंफॉर्मेटिव सीरीज रहेगी एंड डाइट की भी सीरीज रहेगी। पूरे सीरीज में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड डाइट में भी सब कुछ बताऊँगा कि आप लो कैलोरीज में भी कितने अच्छे तरह से आपके क्रेविंग्स को फुलफिल कर सकते हो एंड फॉर हार्ड गेनर्स आप कैसे कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। तो ये पूरी सीरीज आने वाली है इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट गेनिंग मसल, फैट लॉस, बाद में रेसिपीज फॉर गेनिंग मसल फैट लॉस, पूरे डीप में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं जनरली ऊपर ऊपर का ही बताने वाला हूँ, बिकॉज अगर मैं बहुत डीप गया एंड साइंटिफिक वर्ड्स में बोलने की कोशिश की तो यू विल गेट कन्फ्यूज एंड आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। जितना आप भी जितना सिंपल रखोगे दैट विल बी गुड फॉर यू, जितना आप कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे यू विल नेवर रीच योर गोल। सो सिंप्लीफाई योर थिंग्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट अहेड एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो एंड कमेंट भी कर सकते हो आप क्वेश्चंस। एंड अगर आपने अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे मेरा हैंडल आ रहा होगा, इट्स Mr_RajKadam एंड यू कैन फॉलो मी देयर। आप DM में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू ऑल। एंड अगर सिर्फ आपको बातें करनी है देन यू कैन मैसेज मी, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड इफ मैं DM के मैसेज में रिप्लाई नहीं करता सो प्लीज़ आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। एक्चुअली इंस्टा पे मेरी रीच ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रील्स, आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर एंड उसके वजह से मुझे बहुत सारे DMs आते हैं। एंड कॉलेज, बाद में एडिटिंग एंड जिम, इससे टाइम नहीं मिलता आपको रिप्लाई देने के लिए। सो प्लीज़ आप 2-3 बार वही कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज दोगे तो वो ऊपर आ जाएगा एंड आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ आई डोंट, आप प्लीज़ कमेंट में आपके क्वेश्चंस पूछ लिया करो। सो अभी मैं एप्पल खाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम कंज्यूमिंग कैफीन, मतलब ज़्यादा कैफीन कंज्यूम कर रहा हूँ प्री वर्कआउट में, ब्लैक कॉफ़ी में, बट वर्कआउट की इंटेंसिटी इट्स एन अनदर लेवल। सो आई एम हैप्पी, बट मेरी रेस्ट, मेरी स्लीप हैम्पर हो रही है एंड इसके वजह से मुझे कॉलेज से ऑफ लेना पड़ता है। 2 दिन कॉलेज को गया था मैं एंड आज ऑफ लिया है बिकॉज मेरी स्लीप कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर स्लीप कंप्लीट नहीं होती तो इट विल हैम्पर माई रिकवरी। आज होने वाला है लास्ट वर्कआउट इन कराड एंड आज पुश वर्कआउट करने वाला हूँ। आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वर्कआउट, बट कल पैकिंग करनी है एंड परसों मुंबई के लिए निकलना है। सो अगर मैं और मॉम या फिर मैं और पापा जाते हैं तो वी विल गो विद द ट्रैवल्स एंड अगर कोई तीसरा कोई उनका आता है तो वी विल गो बाय कार। एंड कल मुझे लीव देने के लिए कॉलेज भी जाना है तो कल हाफ डे हो जाएगा एंड फिर हम परसों निकल जाएंगे मुंबई के लिए। सो कंटिन्यूस ब्लॉग्स आने वाले हैं
एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. मैं मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा. आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट देम गाइस. अब 20 होके उठा, फ्रेश हुआ एंड फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लगाया. सो आपको इतना नहीं लग रहा होगा बट आई एम रियली एक्साइटेड. तो ये मैं पूरा ऐसे एप्पल खाता हूँ एंड ये बीच में का और थोड़ा सा नीचे का ये पूरा एकदम से खाता हूँ बिकॉज आई डोंट वेस्ट माय फूड. और अगर मन नहीं रहेगा ये खाने का तो मैं मेरे प्रिंस को देता हूँ, उसे भी एप्पल बहुत पसंद है, मुझे भी एप्पल बहुत पसंद है. अभी ये पूरा मुँह में डालूंगा एंड अगर कुछ सीड्स उसमें होंगे तो पानी से आई विल सॉल्व इट. एंड ये साइड देख रहे हो, दिस इज ऑल स्वॉलन बिकॉज ऑफ हीट एंड यहाँ पे भी पिंपल आ रहा है. सो दिस इज ऑल स्वॉलन. ये प्रोबेबली एग्स के वजह से हो रहा होगा, के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, अब थोड़ी देर में ले लूँगा. एंड इसके वजह से थोड़ा सा वीकनेस भी आया है मुझे. एंड आज बोरिंग डे है सो आपको व्लॉग भी बोरिंग लगेगा, बट थोड़ा सा कुछ तो बोरिंग भी होना चाहिए. एवरी टाइम कुछ नया नहीं हो सकता, सो एक बोरिंग व्लॉग ही सही. ऑल रेडी टू गो टू जिम. तो आज पुश वर्कआउट लगाने वाला हूँ. आजकल मुझे कम अच्छा लगने लगा है पुश वर्कआउट. माय फेवरेट इज लाइक लेग वर्कआउट एंड कल का लेग वर्कआउट बहुत ऑसम था. एंड मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट शूट नहीं किया बिकॉज जब मैं शूट नहीं करता ना तब वर्कआउट अलग ही लेवल पे जाता है. अब भी माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम परफॉर्मिंग ग्रेट एक्चुअली. सो इसलिए मेरा मन नहीं होता कि मैं वर्कआउट शूट करूँ एंड ये अभी खेल रहा है. सो अभी वॉक करके जाने वाला हूँ एंड इट्स गेटिंग लेट, सो लेट्स गो. विदाउट वाटर विदाउट शेविंग क्रीम के रेजर से हेयर्स निकल रहा था एंड ये सब उसका नतीजा नेवर वांटेड टू नेवर ये नेवर वांटेड टू दिस अगेन. एक्चुअली मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है बहुत, तो ऐसा होता रहता जब हेयर कट यहाँ पे से रेजर से हेयर्स निकालते तभी सेम कंडीशन है. अब जाके कुछ तो गोली खानी पड़ेगी. समझना कि मैंने स्टीरॉइड्स लिया है उसकी वजह से दाने दाने आए हाथ पे. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रेजर. सच बहुत बहुत गंदा लग रहा है. और पूरी बॉडी क्लीन लग रही है, लेट्स गुड. अभी जाके गोली खाने वाला तो ट्रैक्सअप का वर्कआउट बचा है, लेट्स डू इट. ओके तो ट्राइसेप एक्सरसाइज नहीं की मैंने बिकॉज बहुत गंदा दिख रहा था एंड बहुत चला गया मेरा, बट इट्स ओके. आई एम प्लानिंग ट्रेन ट्राइसेप एंड बाइसेप टुगेदर
बिकॉज उनका पंप इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लाइक यू स्टार्ट टू वर्क विद हिम. सो उसका भी वीडियो बना रहा हूं आपको आगे तक समझाना. कंप्लीटिंग माय स्टेप्स, अभी 3,000 स्टेप्स हुए हैं, इट्स स्टिल 7,000 टू गो. अभी मैं मेरे 10K स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था. दिस इज़ आवर कॉलोनी एंड यहाँ पे मैं वॉक करता हूँ. तो अभी 10K स्टेप्स कंप्लीट कर रहा था एंड एक जगह पे, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, तो वहाँ पे एक औरत ऐसे ट्रीज के नीचे खड़ी थी एंड दैट क्रीप मी आउट. मैं फ़ोन में रील्स देख रहा था एंड इट रियली क्रीप मी आउट. आई विल बी एंडिंग दिस ब्लॉग हियर. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो दिस वॉज सेकेंड एपिसोड ऑफ रोड टू एमेचर ओलंपिया. पीस गेंस.